आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज मैं दोस्तों आपको कुछ बातें बताऊंगा आपके IIT जैम 2019 से रिलेटेड। सिंपली मैं क्या करने वाला हूं आज के सेशन में, मैं आज के जो आपका पेपर है IIT जैम उसका एनालिसिस आपको बताने वाला हूं। ये एनालिसिस बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बीच में आपको ये चीजें मालूम पड़ेगी कि अब जो 2 महीने आपको रह गए हैं वो आपको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सिंपली पहले स्टार्ट करते हैं अपने IIT जैम 10 फेब 2019, ये आपकी डेट ऑफ एग्जाम है। अगर आप IIT जैम एग्जाम क्रैक करते हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो आप MSc करो या आप इंटीग्रेटेड PhD करो। अगर आप MSc करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप IITs में जा सकते हो और NITs में जा सकते हो। और अनदर ऑप्शन है अगर आप इंटीग्रेटेड PhD सेलेक्ट करते हो तो आप IISc बैंगलोर में, ISER में जा सकते हो और IITs में जा सकते हो। या आपके पास 3 ऑप्शन है इंटीग्रेटेड PhD के लिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके जैम के स्कोर कार्ड पर। जितना अच्छा आपका स्कोर कार्ड होगा उतना ही अच्छा इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे लग रहा होगा। इन दोनों में से ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख के रखा है, और इन तीनों में से ये IISc बेस्ट है इसलिए मैंने इसको सबसे टॉप पर लिखा है और IIT को सबसे नीचे लिखा है। IISc देन ISER आते हैं, देन उसके बाद IITs आते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेटेड PhD सेलेक्ट करते हो तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि ये जो ऊपर के 2 इंस्टीट्यूट है ना, ये पूरे इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए बेस्ट है, जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो। ये आपको MSc कराएंगे, साथ साथ उसके बाद ही PhD में आपको एडमिशन भी देते हैं डायरेक्टली, उसके लिए आपको कोई सा भी एंट्रेंस क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो रहा कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। अब उससे पहले एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने नीचे, इस ग्राफ को समझते हैं देन अपने एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। ये ग्राफ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने इसको मतलब कुछ रीजन इसका शेडेड करा है, कुछ पार्ट मैंने इसका खाली छोड़ा है। नीचे लिखा है मैंने कंटेंट स्टडीड, और यहाँ पे मैंने y एक्सिस भी लिखा है चांसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अगर आप यहां तक का कंटेंट पढ़ के जाते हो ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इतने हैं, बट अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। आप देख सकते हो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर आप इतना कंटेंट पढ़ के जाते हो तो आपके पास मैक्सिमम चांस है सिलेक्शन के, बट अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो यहाँ पे आप स्टडी तो ज्यादा कर रहे हो लेकिन आपके चांसेस इतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अगर आप इस इतने ही पार्ट को स्टडी कर रहे हो और आगे का पार्ट छोड़ के भी जा रहे हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। बेसिकली ये ग्राफ है एक गेट के टॉपर का, ये उन्होंने दिया था। तो इसमें उनका समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप कम पढ़ के जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, अगर आप जरूरत से ज्यादा पढ़ के जाओगे तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है। तो वो ये कहते हैं कि आप उतना पढ़ के जाओ जितना आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है, और पेपर के लिए सफिशिएंट आपको तब मालूम पड़ेगा जब पेपर का एनालिसिस आपके हाथ में होगा। आपको पता होगा कि 2019 का पेपर कैसा फ्रेम हो रहा है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर ये चीज आपके पास होंगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे और आपको मालूम होगा कि यार हाँ इस टॉपिक से ये चीज हर साल पूछी जा रही है। जैसे जैम की बात करेंगे तो पावर सीरीज का क्वेश्चन हर साल रहता है, इसी टाइप से आपको चीजें मालूम होती है, पैटर्न फिक्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ है। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है या अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन मैक्सिमम कर रहे हैं तो आपको सिलेबस थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा कम सिलेबस पढ़ो, बट आप जो पढ़ के जा रहे हो ना वो बेस्ट पढ़ के जाओ ताकि उस पार्ट का क्वेश्चन आपसे छूट ही ना सके। रादर देन कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के जाओ, बट ऐसे पढ़ के जाओ ना कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। अब बात करते हैं, ये टेबल बनाया हुआ है मैंने, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आपके 6 टॉपिक है जो IIT जैम एग्जाम में पूछे जाते हैं, देन उनके इयर्स लिखे हुए हैं 2018, 17, 16, 15। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 साल लिखे हुए हैं। इसका मेन रीजन ये है कि 2015 से जो पेपर पहले बनते थे ना, जैसे 2014 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, उनके जो पेपर का लेवल था ना वो इनसे थोड़ा सा कम था, यानी कि 2014 के बाद में जो पेपर का लेवल है वो डायरेक्ट इंक्रीज हुआ है। तो अब जो 2019 का एग्जाम बनेगा या तो वो इनके बेस पे बनेगा या हो सकता है इसको भी इंक्रीज करके जाए, मैक्सिमम चांसेस है कि इससे थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है तो उनको पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनको भी जो पेपर सेट करते हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको जो कट ऑफ है ना वो अप्रोक्सीमेटली उतनी ही रखनी जितनी हर साल जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा 1, 2, और 3 मार्क्स का कट ऑफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, उससे ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है। 2017 में थोड़ी सी ज्यादा हुई थी, सॉरी 2017 या 16 में, हाँ 17 में थोड़ी सी ज्यादा हुई थी, नहीं 16 में हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें 7 रॉन्ग क्वेश्चन थे, तो उन 7 रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से सबको मार्क्स मिले थे तो कट ऑफ डायरेक्टली इंक्रीज हुई थी। तो बस उस सेशन में कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई थी, अदरवाइज कट ऑफ 20 के अप्रोक्सीमेट गई थी, 19, 20, 18 इन्हीं के अराउंड रहती है, ठीक है। तो
तो अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2019 में जो कट ऑफ रहनी है वो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स की अबाउट रहनी है, अगर वहां पे कुछ रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं तो। 2018 में रियल एनालिसिस के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2015 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल एनालिसिस की। 2018 में 34 मार्क्स का, देन 35 मार्क्स, देन 29 मार्क्स, देन 35 मार्क्स, यानी कि इसका अगर आप वेटेज देखोगे ना तो इस आईआईटी एग्जाम में सबसे ज्यादा है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इसमें से बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए जो आपके टॉपिक कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस का। सबसे सिंपल टॉपिक आपका पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी या टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन। टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन से हर साल क्वेश्चन बनता है, और अगर आपने इन चार साल के पेपरों का एनालिसिस कराया ना तो आपको मिला होगा कि जितने भी क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड है या फिर उनकी डेफिनेशन बेस्ड है, और एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल सी। जैसे एक ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, 1/n + 1/m, वेयर n एंड m आर नेचुरल नंबर, तो इनके लिमिट पॉइंट का सेट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन अप्लाई करोगे डायरेक्ट वहां से मिल जाएगा। तो यानी कि जो आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाला सेशन है ना, ये टॉपिक है, वहां से जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके डेफिनेशन बेस्ड आ रहे हैं। तो आपको डेफिनेशन रिकॉल होनी चाहिए और काउंटर एग्जांपल याद होनी चाहिए ताकि आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाओ। तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएगा और टाइम कम देगा, उस टॉपिक में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन इसके बाद आएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको पता है अगर आप पेपर का एनालिसिस कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो सीरीज के क्वेश्चन हर साल अटेम्प्टेबल आते हैं। वो सिंपली डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में पूछता है। तो हर साल सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, और सीरीज में एक क्वेश्चन वो ऐड करता है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो उसको आप डायरेक्ट रियल एनालिसिस से भी कर सकते हो या रीमान इंटीग्रल सम से भी कर सकते हो। तो वो दोनों तरीके से अटेम्प्ट हो जाता है, तो या तो रीमान से अटेम्प्ट होगा, या तो रीमान इंटीग्रल से अटेम्प्ट होगा, या रियल एनालिसिस से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो या तो आप उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो या कोई ना कोई वो स्पेसिफिक सीरीज बन रही होगी। अब स्पेसिफिक सीरीज के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने मैकलोरियन सीरीज पढ़ रखी है, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, लॉग एक्स की, ई की पावर एक्स की, तो जो ये सीरीज है ना ये आपको एग्जाम से पहले याद होनी चाहिए। अगर आपको इस एग्जाम में अच्छा करना है तो आपको ये सारी की सारी जो 8 से 10 सीरीज है ये सारी की सारी सीरीज याद होनी चाहिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन पे बेस्ड आता है। कोई सीरीज ऐसी होगी जो इनसे जरूर कनेक्ट हो रही होगी, एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आप जब भी रियल एनालिसिस पढ़ो सबसे पहले वो सीरीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बात आई सीक्वेंस की, सीक्वेंस का क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट हो सकता है और अटेम्प्ट नहीं भी हो सकता। तो अटेम्प्ट होने के चांसेस आपको पकड़ने हैं, जहां पे आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है ना वो आपको मैक्सिमम पकड़ना है। क्योंकि अगर आप यहां से 34 मार्क्स करोगे, इधर से 13 करोगे, इधर से 12 करोगे, इधर से 11 करोगे, इधर से 9 और इधर से 8, यानी कि आप सारा एग्जाम अटेम्प्ट कर लोगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो लोग एग्जाम सेट करते हैं ना तो उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो एग्जाम है ना वो ऑन एन एवरेज रहना चाहिए। जिस साल मतलब 2018, 2017, 2016, 2015 में जितने लोग जितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ना, यानी कि जितने परसेंट लोग जितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उतना ही आपका 2019 में ही अटेम्प्ट होगा। यानी कि इससे क्या कहना है कि रियल एनालिसिस से सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हो, और ऐसे भी नहीं आएंगे कि आप सारे ही अटेम्प्ट कर दो। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो। तो हर साल क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। जो एग्जाम सेट करते हैं उनका मेन मोटिव पता है क्या होता है? आप लोग सोचते हैं कि उनका मेन मोटिव होता है कि उन बच्चों को छाड़ना जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो मोटिव होता है ना वो ये होता है उन बच्चों को अलग करना जो मेहनत करके आए हैं। यानी कि जो लोग वाकई में आईआईटी डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत करी है उस लेवल की, उन लोगों को आपको कैसे सेट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एग्जाम पैटर्न सेट करने वाले को। इसलिए जो हर साल ग्राफ है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, कट ऑफ का, वीटेज का, क्वेश्चंस का। इवन क्वेश्चंस का मतलब कैसे, जैसे कुछ टफ क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको हर साल का एनालिसिस मिलेगा कि 2017 में इतने परसेंटेज लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। तो जो क्वेश्चन टफ बनेंगे 2019 में भी वही एनालिसिस रहेगा कि कितने परसेंट लोगों उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो जो वो लेवल है ना वो हर साल आईआईटी वाले मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए वो एग्जाम में इतना टाइम लेते हैं। आपको फॉर्म दे देते हैं जून जुलाई अगस्त में फॉर्म दे देते हैं, इसलिए वो टाइम लेते हैं पेपर को सेट करने में। फिर आती है बात आपकी सीक्वेंस सीरीज के बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में फंक्शन के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन बहुत इजीली डेफिनेशन बेस्ड अटेम्प्ट हो जाता है। तो अगर फंक्शन वो वहां पे दो पार्ट में ब्रेक करके देता है और हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है, और एक क्वेश्चन आता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम से,
अगर आपकी मेन वैल्यू थ्योरम पे कमांड अच्छी है तो वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं। और अगर फंक्शन का आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा ग्राफ। अगर आपके ग्राफ स्ट्रॉन्ग है ना, तो रियल एनालिसिस में मान के चलिए दो क्वेश्चन आपके सही बनने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पेपर को उठा के देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपको मिलेंगे वहां पर कि हर साल कुछ ना कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ से ही अटेंड हो जाते हैं। तो आपके जितने अच्छे ग्राफ होंगे रियल एनालिसिस में उतने ही अच्छे मार्क्स होंगे। तो रियल एनालिसिस में जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी रैंक होगी। क्योंकि ये कुछ पार्ट ऐसे हैं कि लोग सब लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ लोग रियल एनालिसिस तो छोड़ के आते हैं, बट ये पार्ट ऐसा है ना, ये आपकी रैंक को इंक्रीज करता है। तो ये रहा कुछ फर्स्ट पार्ट के बारे में। देन सेकंड पार्ट है मॉडल अलजेब्रा। 2018 में 8 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन, 16 में 6 क्वेश्चन, 15 में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, यानी कि आपके अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं मॉडल अलजेब्रा से। ये वो टॉपिक है जो आपका एग्जाम में सबसे कम टाइम लेता है। यानी कि अगर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी आता ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आते हैं कि देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे सिंपली अगर मॉडल अलजेब्रा पे क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली 3 पार्ट से आ सकता है। वो पार्ट आपको सिलेक्ट करने की कौन कौन से पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। हर साल कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछा जा रहा है होमोमॉर्फिज्म से, और वो बेसिकली पूछ रहे हैं ZM टू ZN कितनी होमोमॉर्फिज्म होती है, या फिर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर वो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं कुछ बेसिक ग्रुप से, जैसे बेसिक ग्रुप आपके C*SN Q/ZQ, ये कुछ 4 से 5 ग्रुप, एक ZN और कर लेते हैं। ये 4 से 5 ग्रुप ऐसे है ना कि अगर बेसिक ग्रुप पे क्वेश्चन बनेगा तो इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो C* की प्रॉपर्टीज पूछता है, तो आप ऐसा मत करना कि C* को पेपर में बनाने बैठ रहे हो। मेन मोटिव क्या है, अभी जो 2 महीने को आपको यूज करना है ना, अब आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो शॉर्ट नोट्स में आपके पास C* की सारी प्रॉपर्टीज, C* के सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज, SN की सारी प्रॉपर्टीज, Q/ZN की सारी प्रॉपर्टीज, Q की सारी प्रॉपर्टीज और ZN की सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। तो आपका 2 महीने का जो ये काम है ना, इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिविजन करना है और क्वेश्चन लगाना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिविजन का मतलब यह है कि आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको जो सिलेक्टिव पार्ट है ना उसको इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मॉडल अलजेब्रा भी, और एक फर्स्ट पार्ट रहता है बेसिक से, या तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, यानी कि मतलब ग्रुप को प्रूफ करवा सकता है या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो सबसे कम टाइम लेने वाला टाइम है, सबसे कम टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है मॉडल अलजेब्रा, 5 से 6 मिनट लेगा। तो प्लीज इसको स्किप ना करें, ये सारी चीजें पढ़ के जाएं और होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज पढ़ के जाएं। देन आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या 8 to 10 बोल सकते हैं, और वीटेज है अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मार्क्स। तो इस पार्ट में देखो, अगर आपको लीनियर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है जैम के लिए, तो सबसे पहले आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे वो क्वेश्चन पूछता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पर, देन पूछता है वो कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग बोल सकते हो। अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे तो 16 में 17 में 18 में आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन मिलेंगे जो इसकी कंपोजिशन से पूछे जा रहे हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन या मैट्रिक्स का कंपोजिशन एक ही बात है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स में बदल सकते हो और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उनकी कंपोजिशन से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। देन सेकंड पार्ट आता है आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में आपको कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स होते हैं, उन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज नोन होनी चाहिए कि उसके पास कौन कौन से आइगन वैल्यूज होते हैं और कौन कौन से आइगन वेक्टर होते हैं। जैसे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, अगर रियल सिमेट्रिक है तो उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज रियल, आइगन वेक्टर उनके ऑर्थोगोनली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, तो आपके लीनियर के भी शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज, लीनियर में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप देखोगे तो। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट होने वाले आते हैं, तो इस वाले पार्ट को भी आप स्किप नहीं कर सकते, ये दोनों पार्ट पढ़ के जाने जरूरी है। और बात रही फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट में आप सब लोग ही जानते हो मेनली क्या है, डायमेंशन, बेसिस और सब स्पेस और LILD। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन अराइज होता है, वो इजी क्वेश्चन होता है, आप सब लोग अटेम्प्ट करके जाओगे, इसलिए इस पार्ट को स्किप नहीं करना, इसको पढ़ के जाना है। देन डायमेंशन, बेसिस, सब स्पेस,
इसको आपको थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए कि बेसिस फाइंड कैसे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन फिक्स कैसे करते हैं। तो बेसिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। अगर आप पहले के पेपर उठा के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वो कोई मैट्रिक्स देता है और उसके ईच कॉलम सम को जीरो रखता है या ईच रो सम को जीरो रखता है। तो इस टाइप से आपको मालूम होना चाहिए कि आप बेसिस या डायमेंशन फाइंड कैसे कर रहे हैं। अगर आपने ईच कॉलम को फिक्स करा हुआ है या रो को फिक्स करा हुआ है तो कितने रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। सब स्पेस अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट अगर आएगा तो वन स्टेप टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं सब स्पेस, और ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है वो आपका क्वेश्चन स्पेस है। तो क्वेश्चन स्पेस भी आप पढ़ के जाइए क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक नहीं है, एक दिन लोगे एक दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रिविजन के तौर पर देख रहे हैं तो एक दिन में ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक आपके लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक और बचा जो सबसे इजी टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां से क्वेश्चन उसकी थ्योरी एक पेज की है, अगर आप अभी भी पढ़ने बैठोगे ना तो एक घंटे में उसकी थ्योरी कवर हो जाएगी। उस एक घंटे की थ्योरी से आपके क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट होंगे क्योंकि उस थ्योरी से वो कभी भी बाहर क्वेश्चन को नहीं डालते हैं। ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की थ्योरी कंसिस्टेंसी की थ्योरी पूरी एक पेज में आ जाएगी, उसको आज ही बना लो तो आपका लीनियर पूरा तैयार है। ठीक है, देन बात आती है ओडी की। ओडी में बेसिकली दो पार्ट से क्वेश्चन आता है, एक फर्स्ट पार्ट आएगा जहां पे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन रहेगी और सेकंड पार्ट आएगा जहां पर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आएगी या तो उसका सॉल्यूशन पूछेगा, तो वो सॉल्यूशन के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म है, जैसे या तो एग्जैक्ट से रिलेट कर देगा या होमोजीनियस से रिलेट करेगा या फिर आपका रिलेट करेगा वो बर्नौली इक्वेशन से। तो ओडी सॉल्व होने वाले टॉपिक आता है, पेपर में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेकंड पार्ट में, जब आप सेकंड ऑर्डर की बात करते हो या हायर ऑर्डर की बात करते हो ना, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन का नेचर पूछता है वो। तो वो सॉल्यूशन का नेचर आपको तभी पता होगा जब आपको सॉल्यूशन निकालना आता है और उसके बाद उसके ग्राफ्स प्लॉट करना आते हैं। तो अगर आपको ग्राफ्स प्लॉट करना आते हैं तो आप उसकी बाउंडेडनेस अनबाउंडेडनेस पीरियडिसिटी सबकी बात कर सकते हैं। तो ओडी में मेनली क्या है, या तो फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या इसको बोल सकते हैं हायर ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट है वो सबसे अटेम्प्ट होता है, तो आपसे भी अटेम्प्ट होगा। इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्म पूछेगा और ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है। और अगर आप ओडी को भी एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एक चीज मिली होगी कि वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का हर साल क्वेश्चन अनालाइज कर रहा है। तो हर साल क्वेश्चन अनालाइज होता है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का, लेकिन उसमें लोग क्यों अटकते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि जो अभी का टाइम है ना उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। अगर आप अभी से टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो या प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो ना, तो आपसे एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है ग्राफ की। और एक चीज और है, अगर आप सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, थर्ड ऑर्डर की कर रहे हो या हायर ऑर्डर की कर रहे हो, तो वहां पे लोगों को पीआई निकालने में प्रॉब्लम आती है एग्जाम में। वो प्रॉब्लम क्यों आती है, देखो पीआई के दो तरीके होते हैं, या तो आप पीआई स्टैंडर्ड फॉर्म से फाइंड करो या जनरल मेथड से फाइंड करो, और एक होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। तो अगर आपको ये जो स्पेशल फंक्शन है इनकी आपको फॉर्म पता है कि पीआई कैसे निकालते हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड या जनरल तरीका नहीं पता, तो आपका हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप जो स्टैंडर्ड मेथड है ना वो जरूर पढ़ के जाइए पीआई का, क्योंकि आपको जो स्पेशल फंक्शन है वो सबको याद रहते हैं, आपको अभी भी याद होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो याद नहीं होती है, या जनरल मेथड है पीआई फाइंड करने का वो याद नहीं रहता। तो आप उसको भी अप्लाई करके जाइए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन उस पे बेस आ जाए। तो आप दोनों तरीके को पढ़ के जाइए, छोटे से तरीके हैं, क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होगा, और कैलकुलेशन अभी से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो ओडी में देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन सेवन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं, या 6 to 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली पूछी जा रही है 10 to 12 मार्क्स की। तो ये 10 to 12 मार्क्स आपको बहुत ईजिली देखी जाती है, 10 to 12 पूरे दे या नहीं दे, बट आप यहाँ से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आराम से। तो बिल्कुल इजीली यहाँ से 8 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको 2 महीने में इसको कैसे यूटिलाइज करके या कैसे शॉर्ट करके इसको पढ़ना है। बस वो सिलेबस फिक्स करो जो एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, और उस पर अपनी कमांड बनाओ। देन आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, या तो वन वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल। वन वेरिएबल में या तो वो क्वेश्चन देगा आपको ग्राफ से रिलेटेड, या तो वो आपका क्वेश्चन ग्राफ से अटेम्प्ट हो जाएगा, या आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकता है वो इनफाइनाइट सीरीज का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो
क्वेश्चन या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएगा, ठीक है, या बेसिक प्रॉपर्टीज पे आएगा जो वो ग्राफ से सॉल्व हो जाएगी, और इनफाइनाइट सीरीज का। तो इनफाइनाइट सीरीज आप रियल का कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हो और यहां का कॉन्सेप्ट रियल में लगा सकते हो। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट तो रियल का ही होता है, बट आप इंटीग्रल में जाके उसको पढ़ते हो। तो रीमान इंटीग्रल हम आप यहां भी लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाला होता है, और वो क्वेश्चन के लिए फिर से आपको मैक्लॉरिन सीरीज की नीट पड़ेगी। तो आपकी मैक्लॉरिन सीरीज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। देन आता है मल्टी वेरिएबल का पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर इसमें 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन या 3 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो मल्टी वेरिएबल के रहते हैं। यानी कि मल्टी वेरिएबल में अगर आप पेपर देखोगे ना, आपको हर साल मिलेगा चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कराता है, उसका क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, आना ही आना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, और वॉल्यूम से क्वेश्चन आ सकता है, और चेंज ऑफ ऑर्डर से आ सकता है। और चेंज ऑफ ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और पूछता है, न्यूटन लेबनीज फॉर्म। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एक, अगर न्यूटन लेबनीज फॉर्म पढ़ के जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, बनना ही बनना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी पार्ट है, बस आप पेपर को एनालिसिस करो कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन का अपनी कमांड बनाना स्टार्ट करो अभी से। और इसके भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 पेज की थ्योरी है, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं बनेगी इंटीग्रल कैलकुलस की भी। चाहे कितना भी बना लेना, आपको 6 से 7 पार्ट से ज्यादा थ्योरी नहीं बनाने की पड़ेगी, क्योंकि 6 से 7 के अलावा जो पार्ट बनेंगे ना, वो आपके दिमाग में पहले से ही फीड होंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हो ना, तो आप देखोगे यार ये तो मेरे को लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में इतनी करी तरीके से फंसा हुआ है कि कोई निकाल ही नहीं सकता। तो इसकी थ्योरी भी 5 से 6 पेज की, इससे ज्यादा नहीं है। वीटेज है इसका अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 marks। इस 10 to 12 marks से भी आप 8 to 10 marks इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर बात आती है वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस दो तरीके के आप ले सकते हो, या तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, या बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करके आ पाओगे। बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने की बात करते हैं, बहुत अच्छे से आप कब अटेम्प्ट कर पाओगे, पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसमें आप पढ़ोगे लाइन इंटीग्रल, इसमें आप पढ़ोगे सरफेस इंटीग्रल, और इसमें आप पढ़ोगे बेसिक्स। वन बाय वन बात करते हैं। बेसिक्स में आपकी ये कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज होती हैं, आप उनको पढ़ के जाइए, जो आपकी 8 to 10 आइडेंटिटीज हैं, उसमें से पक्का हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट होगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो बेसिक से एक क्वेश्चन वहां से रिलेट होता है। दूसरा आता है कर्ल से, डाइवर्जेंस से, ग्रेडियंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन भी उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है, तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाता है। और एक क्वेश्चन और बनने के चांसेस होते हैं, या तो वो कंजर्वेटिव की बात करता है, इरोटेशनल की बात करता है, तो कंजर्वेटिव फील्ड और इरोटेशनल फील्ड, इरोटेशनल से भी आपका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो या तो क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पूछा जाएगा। तो इस पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, या तो वो आइडेंटिटीज से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कर्ल डाइवर्जेंस से रिलेट करेगा, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। तो ये 3 में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें बेसिक्स में, और ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होने वाले होते हैं, आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइन इंटीग्रल, अब लाइन इंटीग्रल को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल होनी चाहिए, या ग्रीन इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम होनी चाहिए, या एक थ्योरम आपके पास सरफेस में जाके होती है, जब आप सरफेस को चेंज करते हो लाइन इंटीग्रल में। तो ये 3 ही मेथड है लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन पूछे जाने के। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे, तो लाइन इंटीग्रल में ग्रीन थ्योरम अगर अप्लाई हो रही है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रीन थ्योरम हो रही है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर सरफेस को आप चेंज कर रहे हो लाइन इंटीग्रल में, तो भी आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जा रहा है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए आपको अप्लाई कौन सा करना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपका ग्रीन थ्योरम अप्लाई नहीं करनी होती है, फिर भी आप कर देते हो, जैसे आपका डोमेन है वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है और आपने ग्रीन उसको अप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो यहाँ पे सही होने के चांसेस तब है जब आपको इसकी चीजें मालूम होंगी कि ये कब आपको अप्लाई करनी है। इसके अप्लाई करने से मतलब ये कि आपको जो थ्योरम्स है ना, उसके स्टेटमेंट याद होने चाहिए, ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट। और जब आप सरफेस पे बात करोगे, तो सरफेस में भी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आपको सारी थ्योरम के जो इक्वेशंस होती है ना वो याद है, आपको पता है कि डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल में कैसे चेंज करना है, ट्रिपल को सिंगल में या डबल को सिंगल में कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको पता है, बट आप इनके स्टेटमेंट भूल जाते हो। अगर आप अभी भी अपने आप से देखोगे ना, तो आपको स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट याद नहीं होंगे, बट इक्वेशन सारी याद होंगी। तो जो इनके स्टेटमेंट्स है ना, वो याद होना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होगी क्वेश्चन में ये अप्लाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो स्टोक थ्योरम हुई, गॉस थ्योरम हुई, और यहाँ पे तो 2 ही थ्योरम है, स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
तो ये दोनों थ्योरम आपको मालूम होनी चाहिए कि अप्लाई कब करनी है, कब आपकी सरफेस बाउंडेड है, कब बाउंडेड नहीं है, कब अप्लाई करनी है और कब अप्लाई नहीं करनी है। तो यहाँ की क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, ये तभी अटेम्प्ट हो पाएंगे जब आपको स्टेटमेंट याद होंगे। तो अगर आप इसकी थ्योरी भी बनाने बैठोगे ना, दो पेज की थ्योरी इसकी, एक पेज की थ्योरी इसकी और दो पेज की थ्योरी इसकी है, इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है। तो यहाँ पे 4 से 5 पेज की थ्योरी है, इजीली अभी भी लिखने बैठोगे तो आज ही लिख दोगे। तो वेक्टर कैलकुलस में बस आपको स्टेटमेंट के मीनिंग याद होनी चाहिए कि वो अप्लाई कब हो रही है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो वो आपसे हमेशा गलत करवाएगा। ये आप गलत करके नहीं आते हो क्वेश्चन, वो आपसे गलत करवाते हैं, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे रखते हैं कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आपकी अगर कमांड अच्छी होगी तो वो आपकी फ्रेमिंग आपके टाइप की होगी, उनमें से वो लोग अलग हो जाएंगे जो लोग ये चीजें पढ़ के गए हैं, और जो नहीं पढ़ के गए हैं वो लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उनके मोटिव का जो है वो क्राइटेरिया पास कर जाओगे और आप इसके अंदर आ जाओगे। तो इसको बस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के जाओ, सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन इसमें से आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पूरे आईटी जैम का सबसे इजीएस्ट टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक इसलिए बोल सकते हैं कि अगर आप इसमें 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है या 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो आप पूरे में से पूरा अटेम्प्ट यहाँ भी कर सकते हो। तो ये नीचे के 2 टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से आप हमेशा पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की अगर बात करें तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो फिक्स रहता है, हर साल पैटर्न की बात करें, अगर आप पेपरों को एनालिसिस कर रहे हो या उनको देख रहे हो उठा करके, तो आपको मिलेगा कि आयलर इक्वेशन पे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर साल आयलर इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल पूछा जा रहा है। तो हर साल आपका क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, बस आपको उन पे प्रैक्टिस बनानी है। अगर आपकी मैक्सिमम मिनिमम प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसको अच्छा है कि अभी से ना अप्लाई करना स्टार्ट करो, ताकि ये वाला पार्ट आपका जो 8 to 10 मार्क्स देखे जा रहा है ना, ये पूरे मार्क्स देकर के जाए। तो यहाँ से आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं, और अप्लाई करना आना चाहिए, आइदर इक्वेशन याद होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन इजीली बन जाता है। और आपका पूछा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्वेश्चन, या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन में क्वांटिटी भी पूछता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी पूछता है और आपसे डिफरेंशियबिलिटी भी पूछता है। तो आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना आनी चाहिए, एक सिंपल सी इक्वेशन होती है वो इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन और हर साल पूछा जा रहा है आपका पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर, यानी कि वो चेन रूल लगाकर पार्शियल डेरिवेटिव पूछता है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स माइनस के डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू पूछता है। और आप उठा के देखो पेपर, हर साल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी क्या मिस्टेक होती है ना, कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, आपसे हल्का सा माइनस प्लस की मिस्टेक होती है। तो अभी तक का जो मेन टारगेट है ना आपको 2 महीने में, वो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने हैं और उनके साथ साथ क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम इतना है कि आप सफिशियंट मटेरियल पढ़ो, बहुत ज्यादा मत पढ़ो। ठीक है, तो आप उतना मटेरियल पढ़ोगे जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो और अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक हो। तो उसके लिए मेन 2 ही चीजें करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने और अभी से प्रैक्टिस करनी है। अब ये काम आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना शेड्यूल कैसे बनाते हो। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है आपकी आईआईटी जैम से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया, और मुझे लगता है कि ये आपके बहुत ज्यादा काम की है। और अगर आप अभी भी एनालाइज नहीं कर रहे हो पेपर को तो अब स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे पेपर को एनालाइज करने में, फिर आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, तब भी आपके पास 2 मंथ का टाइम है और 2 मंथ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, 2 मंथ में आपको बहुत कुछ करना है, तो सिलेक्टिव पढ़ना है, बट ऐसा पढ़ना है कि आपसे क्वेश्चन उस पार्ट के अटेम्प्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।